हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सेलेंस। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ब्रेव एंड कॉरेजियस लेडी के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका नाम था किंकरी देवी। उन्होंने जो है वर्ल्ड को हमारे एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम इनके बारे में देखें तो इनका जन्म जो था वो 1925 में हुआ था, 1925 में, और इनकी जो डेथ हुई है वो हुई थी 2007 में। अगर आप देखें तो जो किंकरी देवी थी वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी, और जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है वो हिमाचल प्रदेश में है, और सिरमौर में ये घटौन विलेज से जो है वो बिलोंग करती थी। अगर आप देखें तो इनको जो है वो ना तो लिखना आता था और ना ही पढ़ना आता था। इन्होंने अपनी डेथ से कुछ साल पहले ही जो है वो सिग्नेचर करना सीखा था। अगर हम इनकी फैमिली के बारे में देखें तो इनके जो फादर थे वो एक किसान थे, और इन्होंने भी छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। अगर आप देखें तो इनकी जो शादी थी वो बचपन में ही हो गई थी, जब ये 14 ईयर्स की थी, और जब ये 22 साल की हुई तो इनके जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो गई थी टाइफाइड फीवर के कारण। अगर हम इनको एज अ एक्टिविस्ट देखें तो ये कहानी तब शुरू हुई जब ये एक स्वीपर की जॉब जो है वो कर रही थी, और इन्होंने देखा कि हिमाचल प्रदेश की हिल्स में जो है वो कुछ लोग जमीन से पत्थर आदि जो है वो निकाल रहे थे। क्वेरिंग का मतलब होता है जमीन से पत्थर आदि निकालना, और इस तरह से जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो पानी है और जो पैडी फील्ड्स थी उनको नुकसान पहुंच रहा था। और इस पॉइंट पे जो है किंकरी देवी ने ये डिसाइड किया कि इसके खिलाफ वो खुद लड़ेंगी। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए उन्होंने जो है वो हाई कोर्ट में केस लड़ा था, और हाई कोर्ट में उनको केस लड़ने के लिए एक लोकल वॉलंटियर ग्रुप ने हेल्प की थी। ये केस जो था ये 48 माइन ओनर्स के खिलाफ था। उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि ये जो है इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, लेकिन ये सारे एलिगेशन जो थे वो वहाँ पे डिनाई कर दिए गए, वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किए गए थे। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो किंकरी देवी ने जो है वो 90-day हंगर स्ट्राइक की थी, और इस वजह से जो है वो नेशनल सेलिब्रिटी बन गई थी। वो एक तरह से पूरी तरह वो लैमलाइट में आ गई थी, और इसके बाद जो है कोर्ट को ये फिर से केस जो है वो रीओपन करना पड़ा, और उन्होंने 1987 में जो है यहाँ पे जो माइनिंग हो रही थी उस पे स्टे लगा दिया। दूसरी बार किंकरी देवी जो है वो लैमलाइट में तब आई जब जो हिलेरी क्लिंटन थी उन्होंने उनको इन्वाइट किया था इंटरनेशनल वीमेन कॉन्फ्रेंस इन बीजिंग। वहाँ पे जो है उन्होंने लैम्प को लाइट किया था, उन्होंने जो है वहाँ पे बिगनिंग की थी उस सेरेमनी की, और वहाँ पे लोगों के सामने उन्होंने स्पीच भी दी थी कि कैसे जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो लोगों के बीच इम्पैक्ट बना सकते हैं। इसके अलावा जो है किंकरी देवी ने एक कैंपेन चलाया था कॉलेज के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वो जो पढ़ाई नहीं कर पाई हैं तो दूसरे बच्चे भी जो हैं वो उससे वंचित ना रहें, तो इसलिए उन्होंने इसके लिए भी एक कॉलेज डिग्री कॉलेज के लिए भी एक कैंपेन किया था। अगर हम अवार्ड की बात करें तो 1999 में किंकरी देवी जी को जो है वो स्त्री शक्ति का अवार्ड मिला था। तो इस तरह इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि अगर कोई डिटर्मिनेशन हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हम वो हर चीज हासिल कर सकते हैं। तो हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।